Hey guys, welcome to Moni Channel. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आप तारक मेहता तो देखते ही होंगे, जो कि उसमें अभी गाइज स्टोरी चल रही है जो कि गणपति बापा आने वाला है उनके गोकुलधाम सोसाइटी में, मतलब अकेले ही आ जाएंगे, उनको लेने जाने की ज़रूरत भी नहीं है और उसमें बारिश भी स्टार्ट हो गई थी गाइज। तो गाइज मैंने भी इस गोकुलधाम सोसाइटी को सजाने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखी है गाइज, पूरी तरीके से इस गोकुलधाम सोसाइटी से फूलों से सजा दी गई है गाइज, क्योंकि गणपति बापा आने वाले हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी। और यहाँ पर अभी मैंने पर्दा भी ढक रखा है गाइस, यहाँ पर इसके अंदर भी हम चलकर देखेंगे, जो कि हमारी गणपति बापा की मूर्ति भी मैंने रखी है इसके अंदर भी। तो गाइस मैंने इस गोकुलधाम सोसाइटी को कैसी सजाई है गाइस, मुझे भी कमेंट में बता देना कि ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपको सजावट कैसी लग रही है भाई। बहुत ही मस्त लग रही है गाइस, यहाँ पर मैंने कस्टम पेंटिंग्स का भी यूज़ किया गया है कई कई जगह पर। तो गाइस बिना किसी देरी के अभी हम चलते हैं इसके मंडप के अंदर भी, जो कि ये पूरी टप्पू सेना और भिड़े भाई ने मिलकर ये पूरा मंडप को तैयार किया था, वो भी बहुत ही कम वक्त में। हाँ तो गाइस इस पर्दे को भी खोलते अभी हम। हाँ तो गाइज मैंने यहाँ का पर्दा भी खोल दिया गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ मंडप के अंदर का एरिया, यहाँ पर गणपति जी की एक मूर्ति भी है, और जो कि गाइज मैंने यहाँ पर सेम मूर्ति तो नहीं लगाई पर गणपति बापा सब एक ही है। तो गाइज यहाँ पर ये आप मूर्ति भी देख सकते हो, और यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति भी मैंने यहाँ पर लगा दी है जो कि कस्टम पेंटिंग्स का यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने दान पेटी जैसा भी लगवाया है जो कि आप पैसे भी यहाँ पर डाल सकते हो गाइज। तो गाइज मैंने यहाँ पर स्टेयरकेस जैसा भी कुछ यहाँ पर लगवा दिया है जो कि आप मंडप में जा सकते हो यहाँ पर चढ़ के। ये कुछ मूर्ति के पीछे का एरिया है गाइज, यहाँ पर आप पीछे भी जा सकते हो। तो गाइज हम चलते हैं अभी नीचे की तरफ, यहाँ पर से मंडप के नीचे, यहाँ पर ये पूरा स्टेज का एरिया, यहाँ पर ही सब गणपति बापा की यहाँ पर आरती भी करते हैं, और यहाँ पर आरती की थाली भी मैंने लगवा दी है। तो गाइज यही था कुछ यहाँ के मंडप के अंदर का एरिया, जो कि गाइज बहुत ही मस्त बना है गाइज। ये भी मैंने गणेश उत्सव का, यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव। गाइज आपने आगे का एपिसोड भी देख ही लिया होगा, जो कि पीड़े भाई को सपना आया था कि गणपति बापा उनके सपने में आए, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं अकेला ही आ जाऊँगा, मुझे कोई भी लेने मत आना। तो भाई कैसे आते हैं वो भी हमें देखना बाकी है। तो गाइज यही था हमारे वीडियो में। तो गाइज ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को भी सजाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, और गाइज इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो गाइज बिल्डिंग्स फॉर माइनक्राफ्ट ऐप से भी। तो गाइज यही था हमारा गणपति बापा का, यहाँ पर ये पूरा मंडप भी यहाँ पर मैंने तैयार किया है गाइज, ये पूरा मंडप भी। तो गाइज यही था, इसका ऊपर से एक बार आपको व्यू भी दिखा देता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपको ऊपर से भी कैसी लगती है। वाह भाई ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी बहुत ही मस्त लग रही है गाइज। तो गाइज हम वीडियो को भी अभी यहाँ पर ही एंड करते हैं, जो कि गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गणपति बापा का ये पूरा मंडप भी बना दिया है, जो कि गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल भी चल रहा है गाइज यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी में। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था, अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना, और गाइज एक गोकुलधाम सोसाइटी के लिए भी ये पूरी सजावट के लिए भी गाइज एक लाइक तो कर ही देना। तो गाइज मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना, और गाइज बेल आइकन प्रेस करके ही जाना, और गाइज हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल द टाइम गुड बाय।